बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ब्यूटी वर्ल्ड। सो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस स्पेशल वीडियो में आप लोगों के लिए रमज़ान कलेक्शन लिख रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। रमज़ान में जो इफ्तार पार्टीज़ वगैरह होती हैं उन पर आप किस किस तरह की ड्रेसिंग कर सकती हैं, आज की वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे आइडियाज़ मिलने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी मुस्लिम गर्ल्स हैं और मतलब कि रमज़ान में आप एहतमाम करती हैं, पार्टीज़ वगैरह में जाती हैं, इफ्तार पार्टीज़ वगैरह में, तो उसके लिए ड्रेसिंग के अगर आप लोगों को आइडियाज़ चाहिए तो आप लोग देख सकते हैं। कैजुअल और बहुत ही स्टाइलिश आइडियाज़ हैं जिसमें आप लोगों को कुर्तीज़ स्टाइल में, शलवार कमीज़ स्टाइल में, थ्री पीस ड्रेसेस, हर टाइप के ड्रेस डिज़ाइन देखने के लिए मिलेंगे और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियोस से कराती रहूँगी। आप लोग हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए और अगर आपको वीडियोस पसंद आएँ तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियोस लेकर आती रहूँगी और आज की वीडियो में जो डिज़ाइन हैं, स्टाइल हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए यूज़फुल होंगे। मोस्टली डिज़ाइन जो हैं समर फैब्रिक यानी कि लॉन फैब्रिक पर बने हुए हैं। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मई के मंथ में जो है रमज़ान स्टार्ट है और मई में अच्छी खासी गर्मी होती है। ये होता है कि रमज़ान में अल्लाह ताला अपनी रहमत से मौसम अच्छा तो कर ही देती हैं। तो इस वीडियो में कॉटन और लॉन दोनों ही तरह के ड्रेसेस हैं, दोनों फैब्रिक पर बने हुए। मोस्टली हमारी जो गर्ल्स होती हैं वो लॉन फैब्रिक पहनना पसंद करती हैं समर सीज़न में। और आपने देखा होगा कि आजकल जो है समर लॉन ड्रेसेस में ऐसे ऐसे डिज़ाइन आ गए हैं, इस तरह के स्टाइल्स आ गए हैं कि उन्हें बहुत ही लग्जरी स्टाइल में बना दिया गया है और जो कि पहने हुए भी बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो अनस्टिच और स्टिच में दोनों ही तरह से आप लोगों को मिल जाते हैं। ये ऑप्शन आपका है कि आप उसे अनस्टिच परचेज़ करना चाहते हैं या फिर स्टिच में परचेज़ करना चाहते हैं। ये होता है कि ब्रांड से जब हम स्टिच में परचेज़ करते हैं तो उनकी फिनिशिंग के साथ जो है बड़ी खूबसूरती के साथ स्टिचिंग हुई भी होती है और ये होता है कि आप लोगों को पूरा रेडी तैयार मिल जाता है ड्रेस और आप उसे पहनकर भी ट्राई कर सकते हैं कि आपकी जो फिजिक है उस पर वो अच्छा लगेगा या नहीं। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप अनस्टिच लेकर उसे स्टिच करवाती हैं, उसके लिए आपको काफ़ी अच्छे आइडियाज़ चाहिए होते हैं। ऐसे घर बैठे आपको बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दिमाग में ऐसे कोई आइडियाज़ नहीं आते हैं कि आप अपने ड्रेस को अगर स्टाइलिश बनवाना चाहते हैं तो आप लोग उसे किस तरीके से बनवाएं। सो व्यूवर्स, आप लोगों को हमारी वीडियो से बहुत ही ज़बरदस्त आइडियाज़ मिल सकते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को आइडियाज़ देती रहती हूँ, स्टाइल डिज़ाइन दिखाती रहती हूँ। हमारी कल की वीडियो में आप लोगों ने स्लीव के जो डिज़ाइन देखे हैं और आप लोगों ने पसंद भी बहुत किया है। सो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग आगे भी हमें इसी तरीके से अप्रिशिएट करेंगे और मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। व्यूअर्स, बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।